शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में वैसे तो बहुत सारी हिडन डिटेल्स थी, लेकिन मैं बात करूंगा इसकी 20 बेस्ट हिडन डिटेल्स के बारे में। डिटेल्स बताने से पहले थैंक यू सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही महीने में हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर देंगे, सो थैंक्स अगेन। और अब देखते हैं क्या थी वो हिडन डिटेल्स। ब्रूस ने अपने हाथ में एक डिवाइस पहना होता है और वो बताता है कि इसकी हेल्प से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बना रहता है। यही वाला डिवाइस उसने शांग ची के मिड क्रेडिट सीन में भी पहन रखा था। मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में उन लोग ने इस बार थॉर लव एंड थंडर से माइटी थॉर को भी एड किया है। ब्रूस चीटोस को चॉपस्टिक्स के साथ खाता है। ये 2016 में सोशल मीडिया पे एक वायरल ट्रेंड था जो स्टार्ट किया था ऑस्कर आइज़ैक यानी अपने मून नाइट ने। कार के सामने सकारन क्लास 8 कुरियर क्राफ्ट आ जाता है। ये सेम शिप तो नहीं बट इसी टाइप का शिप थॉर और ब्रूस ने थॉर रैग्नारोक में उड़ाया था। ब्रूस के थोड़े से ही ब्लड से जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। द इनक्रेडिबल हल्क में जब सैमुअल स्टंस के माथे पे ब्रूस का ब्लड गिरा था तब वो भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होने लगा था। इसकी वजह से वो कॉमिक्स में द लीडर नाम का एक विलन बनता है जो हल्क के जितना पावरफुल तो नहीं होता लेकिन वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। एमसीयू में पता नहीं वो कब देखने को मिलेगा, 14 साल तो हो ही गए। यहाँ कार एक्सीडेंट के बाद ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। 1977 की द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज में भी जब बैनर की गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको ठीक ना कर पाने की वजह से भी वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे रॉक्सॉन लिखा होता है। कॉमिक्स में रॉक्सॉन एक बहुत ही ईविल कॉर्पोरेशन है और इसका रेफरेंस आयरन मैन, लोकी और डेयर डेविल में भी था। निकी जेन से सैवेज जेन वॉल्टर्स लुक देने को बोलती है। ये शी हल्क की सबसे पहली कॉमिक बुक 1980 की द सैवेज शी हल्क कॉमिक का रेफरेंस था। और बार में एक क्यूआर कोड लगा होता है जिसको अगर आप स्कैन करोगे तो आप यही वाली कॉमिक बुक फ्री में पढ़ सकते हो। यहाँ वॉशरूम में बोर्ड पे अवेंजर्स का ए, मिस मार्वल का सिंबल और एक मकड़ी बनी होती है, मतलब स्पाइडरमैन का ईस्टर एग। जेनिफर यहाँ पे टोनी के कपड़े पहनती है। थॉर रैग्नारोक में ब्रूस ने भी टोनी के ही कपड़े पहने थे। और उसकी टी शर्ट पर लेड ज़ेपलिन लिखा होता है जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का रेफरेंस था। यहाँ पे टोनी स्टार्क के आयरन लीजन का हेलमेट पड़ा होता है जो हमें आयरन मैन 3 और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिख चुका है। और पीछे थॉर रैग्नारोक का ग्लैडिएटर हल्क वाला हेलमेट भी पड़ा होता है। और जब जेन ये हेलमेट देख रही होती है तो बैकग्राउंड में अवेंजर्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। इस एपिसोड में टोनी स्टार्क को लेके बहुत सारे रेफरेंसेस थे। यहाँ इन ब्लेड्स पे स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो होता है और ये लोगो इस डिवाइस पे भी होता है। यहाँ पे जेनिफर जिस केज के अंदर है उसके ऊपर का पैटर्न पहली अवेंजर्स फिल्म में शील्ड वालों ने जरूरत पड़ने पर हल्क को बंद करने के लिए जो केज बनाई थी उसके जैसा है। उसमें उन लोग को हल्क को बंद करने की तो जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन वो लोकी को बंद करने के लिए जरूर काम आ गई थी। अरे यार, लोकी को भी बंद करने के लिए काम नहीं आई थी। ब्रूस हल्क बनने को कार के स्टीयरिंग पे दो लोगों के हाथ होने से कंपेयर करता है। On the wheel at all. ये थॉर रैग्नारोक का रेफरेंस था। I mean, in the past, I always felt like Hulk and I each had a hand on the wheel, but this time it's like he had the keys of the car and I was locked in the trunk. जेनिफर ने एक व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहन रखी होती है जिसपे आई लव मेक्सिको लिखा होता है। ये कॉमिक्स का रेफरेंस था, बस उसमें मेक्सिको की जगह एले लिखा होता है। हल्क यहाँ पे अपनी आइकॉनिक थंडर क्लैप करता है जो हमें 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क के बाद अभी देखने को मिल रही है। आई विश कि उसने एमसीयू की और भी मूवीज में ये चीज की होती। शी हल्क जब लगातार क्लैप करती है तो उसकी वजह से शॉक वेव्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से हल्क को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे हल्क को बहुत ज्यादा कमजोर दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। द इनक्रेडिबल हल्क में जब हल्क अपने पीक पे था उस टाइम पे भी इनकी वजह से उसको तकलीफ हुई थी। इसी टाइप का डिवाइस मिस मार्वल में डीओडीसी वाले यूज करते हैं और सिविल वॉर में रोडी ने वांडा के ऊपर भी इसी टाइप का डिवाइस यूज किया था। जेनिफर स्टीव की एस के बारे में बात करती है। ये अवेंजर्स एंड गेम का रेफरेंस था। जेनिफर यहाँ पे एफ वर्ड बोलने ही वाली होती है लेकिन वो क्रेडिट्स की वजह से कट हो जाता है। ऐसा ही स्पाइडरमैन होमकमिंग, फार फ्रॉम होम, वांडा विजन और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हो चुका है। क्रेडिट्स में एक ड्राइंग में जेन सीढ़ियों पे खड़ी होती है। ये एक कॉमिक बुक के कवर से लिया गया है। सो आई होप कि तुम लोग को ये 20 हिडन डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाकी एपिसोड्स की हिडन डिटेल्स के लिए भी हर हफ्ते वीडियो आएगी, तो अगर वो मिस नहीं करना चाहते तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे हल्क अपनी चड्डी खींच के दिखाता है। ये मार्वल की तरफ से सलमान खान को ट्रिब्यूट था। और यहाँ पे शी हल्क टाइटेनिया के ऊपर विटनेस बॉक्स फेंक के मारती है। ये सलमान भाई की ही गर्व मूवी का रेफरेंस था। भरोसा करो यार, सच में था।